मलिक साहब मारे, मलिक साहब कोर्ट में आए हैं, क्या मामला? कोर्ट में जो हमारा चुनाव था 2022 का एमएलए का, उसमें परमिशन भी हम लोगों ने ली थी और परमिशन के बावजूद हमारे पे वो मुकदमा कर दिया गया और उसमें आज जमानत के लिए यहाँ आए थे। एक ही मुकदमा था और भी कोई? एक मुकदमा है, ये था एक मुकदमा 2012 का। 2012 में भी एक मुकदमा हुआ था इसी तरीके का, उसमें हमें सूचना नहीं मिली तो उसमें भी NPW वारंट भेज दिए इन्होंने, तो आज आए वो जमानत भी करा ली और वो भी निमट गया। परमिशन के बाद में क्या सोच है, क्यों मुकदमे इस तरह के किए जा रहे, क्या सोच के? ये राजनीतिक सोच जो रही पुलिस की भी और प्रशासन की भी, तो उस सोच से हमारा हम लोग मुकदमे कर दिए गए हैं। चौधरी साहब का प्रोग्राम है जयंत चौधरी। हाँ हाँ, उनका उद्देश्य ये है कि जो मोरना मिल पे वो कार्यक्रम है और विस्तारीकरण उसका होना था और वो पूरा हुआ नहीं, तो उसमें इसलिए चौधरी जैन जी का वहाँ पर कार्यक्रम है। विस्तारीकरण के होर्डिंग और बैनर भी लगा दिया, अखबारों में भी बताया आगे थी सरकार। हाँ लगा तो दिए लेकिन हुआ तो नहीं जी। क्या नाम वकील साहब का पूरा नाम? ओंकार सिंह तोमर जी। तोमर साहब विधायक जाए थे कोर्ट आज? हाँ, राजपाल बालियान विधायक बुढ़ाना, उनका एक तो पुराना मुकदमा था 2012 का, जिसमें वो पहले बुढ़ाना कोर्ट में चल रहा था, वो ट्रांसफ़र हो गया था, उसकी जानकारी न होने के कारण उनके वारंट हो गए थे, उनके वारंट निरस्त हो गए। दूसरा एक मुकदमा था उनका इसी इलेक्शन का जो 2022 का फुगाना का जो जुलूस था, उसमें 269, 270 और 171 और 127 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और महामारी अधिनियम 351 ये धाराएं थी, उसमें आज हमने जमानत कराई है विधायक जी की। विधायक जी को पेश किया, उनको हिरासत में लेके जमानत पर छोड़ दिया। कितनी देर हिरासत में रखा विधायक? मुश्किल से 5-10 मिनट जो न्यायिक व्यवस्था है उसके अनुसार ही जो है विधायक जी को न्यायिक हिरासत में रखा गया और जमानत जो है उनको जमानत पर छोड़ दिया गया, 20,000 की जमानत है और वारंट निरस्त हो गया 11/10 आगे तारीख ली। कितने लोग इस मुकदमे में? 11 लोग हैं, आज एक विधायक जी की जमानत हुई।